बेल का मैं दोबारा से न्यू मॉडल मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर कि आज बताने वाला हूँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्लस लीगल पिरामिड स्कीम क्या होती है, क्या डिफरेंस है इसके अंदर। आपको लग रहा है क्या नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होती है, कंपनियां फ्रॉड होती है, तो कंपनी जो फ्रॉड होती है और जो लीगल और इलीगल में डिफरेंस क्या है। देखो जो लीगल कंपनी होती है वो प्रोडक्ट और एक सर्विस को प्रमोट करती है, बट इलीगल कंपनी जो होती है वो हवा बेच रही होती है, हवा हवा। और जो लीगल कंपनी होती है ना वो सेल्स जनरेट पे पैसा देती है, ना कि रिक्रूटमेंट पे, क्योंकि सेल्स जनरेट होगी तो आपको पैसा मिलेगा। और उधर इलीगल के अंदर रिक्रूटमेंट पे पैसा देती है, और नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनी है, लीगल जो कंपनी होती है उनके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट होती है। और जो इलीगल है उनके अंदर ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो रही है, तो समझ लो वो इलीगल है, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट इतना होता नहीं है, स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ता है आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के अंदर, बट अगर आपको मेंटेन करना पड़ रहा है तो कोई इलीगल पिरामिड स्कीम। बहुत सी चीज़ें हैं कि ना इसके अंदर प्रोडक्ट्स नहीं होगा, कंपनी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, रिक्रूटमेंट पर पैसा दे रहा होगा, लोगों को हवा बेच रहा होगा, कुछ चीज़ें नहीं है, कुछ आपका उसका ऑफिस नहीं होगा, कोई भी चीज़ आपको होगा नहीं, बस रिक्रूटमेंट पर पैसा दे रही है। और जो आपका सेल्स है 100 रुपये का अगर प्रोडक्ट है और वो आपको 150 देने का वादा कर रही है, मतलब बोल रही है कि 150 मिलेगा 100 का बोलो, क्योंकि कभी भी कोई कंपनी अपने जेब से पैसा नहीं देती है, उसका जो सेल्स जनरेट होता है ना उसी का पैसा देती है। और कभी नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनी है उसके अंदर सैलरी फिक्स नहीं होती है, वो सेल्स के ऊपर जनरेट होती है, जितना सेल्स करोगे उसका कुछ परसेंटेज आता है, बट इलीगल जो प्राइमरी स्कीम उस पर रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट पे पैसा देता है, बस पैसा लगाओ पैसा कमाओ पैसा लगाओ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट और सर्विस प्रमोट होती है, देन उस प्रोडक्ट से जो सेल्स जनरेट होती है उसका कुछ परसेंटेज कंपनी हमें देती है, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, बाकी उन कंपनियों के अंदर कोई प्रोडक्ट्स नहीं होता है, कोई चीज़ नहीं होती है, हवा बेच रहे होते हैं, बस रिक्रूटमेंट करो पैसा दो, बट यहाँ पे नहीं होता ऐसा। तो आप सोचा करो कि कोई कंपनी क्या गवर्नमेंट रूल को फॉलो कर रही है, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्या प्रोडक्ट में मार्केट में वैल्यू है, क्या प्रोडक्ट जो आप कंपनी का है क्या वो मार्केट में उसकी वैल्यू है, क्या बार बार उसको यूज कर सकता है कोई इंसान कि एक ही बार यूज करके छोड़ देगा, वैल्यू है मार्केट के अंदर, क्या प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी है, क्या उसका मतलब कहीं पर ऑफिस है, क्या गवर्नमेंट के जो रूल है उसने अलाउ कर रखा है। तो इस तरीके से आप कंपनी और लीगल और इलीगल में डिफरेंस निकाल सकते हो। बाकी बहुत से मिथ्स आपको क्लियर होंगे कि जो सारी चीज़ें मैंने बताई है, बाकी अगर कोई भी अगर आपका और भी मिथ्स हो, क्योंकि ये ऑब्जेक्शंस आपके सामने आएंगे, अगर कोई भी हो तो आप ये कमेंट करके बताना, जो भी आपको ऑब्जेक्शंस लगे कि ये भी है तो आपके अकॉर्डिंग आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन पर हिट करो। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर।